हाय एवरीवन, दिस इज योर फेजी फ्रीक। और भाई यहाँ पर आप देख रहे हो, हमारे पास में है ये लेजेंड मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इतना एक्साइटमेंट ना मुझे कोई गाड़ी के लिए नहीं था जितना इस गाड़ी के लिए था। आखिर वो मौका आ ही गया, यहाँ पर है हमारे सामने ये VXI वेरिएंट आप देख रहे हो ऑटोमेटिक। तो चलिए क्या क्या चीजें आपको इस लेजेंड में देखने को मिलेगी सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी के लुक्स देख लीजिए, SUV कहती है इसे मारुति सुजुकी। बॉक्सी सा लुक आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में, बट कैसी लगती है आप लोग ही कमेंट में बता दो। खैर आते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। अब यहाँ पर ना ये ब्रेजा खड़ी है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है फ्रंट प्रोफाइल बताने में। हाँ यहाँ से देख लो, काफी मस्ती चिंटू मिंटू गाड़ी लगती है। नहीं, यहाँ पर ये ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगी जो कि बंद है, सुजुकी का लोगो। हेडलाइट्स आपको जो कि हैलोजन देखने को मिलने वाले, ऑफ कोर्स टर्न इंडिकेटर्स भी वहीं पर दिए गए हैं। बोनेट कितना छोटा है यार इसका, मतलब देखिए 1, 2, 3 खत्म। यहाँ पर उसी बोनेट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ये वॉशर स्प्रिंकलर। नीचे की तरफ आते हैं तो क्लैडिंग्स देखिए कितनी बड़ी है। ड्यूअल टोन फिनिश में आपको बम्पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर भी, और ये भी आपको ब्लैक में मिलने वाला है। ग्रिल नीचे की तरफ दी गई है जो कि आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट जैसा दिया है, बट ये है नहीं, फॉग लैंप्स वैसे भी आते नहीं इस गाड़ी में। कमिंग टुवर्ड्स दी साइड प्रोफाइल, उसके लिए यहाँ से आना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर ना आपको 3.5 मीटर्स की लेंथ मिलने वाली है और 2.3 मीटर्स का आपको व्हील बेस मिलता है इस गाड़ी के साथ में। हाइट भी देख रहे हो कितनी मस्त है। यहाँ पर देखिए ये ब्रेजा खड़ी है, और मैं ना यहाँ पर हाइट दिखा देता हूँ दोनों गाड़ी की, थोड़ी ही छोटी लग रही है। नहीं खैर जाने दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर व्हील्स की बात करें तो इस वेरियंट में कहाँ पर है भाई व्हील साइज, यहाँ पर आपको 14 इंच के यहाँ पर आपको स्टील व्हील्स मिलने वाले हैं व्हील कैप्स के साथ। और यहाँ पर देखिए फेंडर पे आपको देखने को मिल जाएगी टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दी गई है। डोर हैंडल्स जो कि आपको ब्लैक में मिलेंगे ये फ्लैप वाले। सेफ्टी की बात करूँ ना तो भाई इस गाड़ी ने 0 स्टार स्कोर किए हैं GNCAP में। खैर यहाँ पर ये देखिए आपको देखने को मिल जाएगी डोर हैंडल्स पीछे की तरफ। ग्लास एरिया अच्छा खासा है गाड़ी के साथ में। कमिंग टुवर्ड्स द रियर प्रोफाइल, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग तो मैं आपको बताऊंगा एंड में। ये है भाई इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल, और रियर से भी देख लो इस गाड़ी को, सुजुकी का लोगो। टेल लाइट्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मुझे लगा पर्सनली, मतलब देखिए कुछ इस डिज़ाइन में। यहाँ पर ये हैलोजन ही मिलने वाले आपको टोटल। रियर विंडस्क्रीन पर डिफॉगर, टाइमर, वॉशर, वाइपर कुछ भी नहीं मिलने वाला ऑफकोर्स। एस्प्रेसो की ब्रांडिंग, डुअल टोन फिनिश में बम्पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगी। पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑफकोर्स, और यहाँ पर भी ये ब्लैक ट्रीटमेंट आपको नजर आ रही होगी। अब ओपन करते हैं गाड़ी के बूट को, जो कि आपको मेरे ख्याल से अंदर से ही ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से हम ओपन करेंगे इस गाड़ी के बूट को, और बूट का साइज काफ़ी अच्छा है। हालांकि एग्जैक्ट कितना है वो मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पर वो मेंशन कर दूंगा। अच्छा खासा सामान तो आ जाएगा यार, नो डाउट इसमें। इसको देखिए यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है। और कुछ है क्या, पार्सल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलने वाला। इन सीट्स को आप पूरी फोल्ड कर सकते हो भाई। एक्सटीरियर जाने दो इस गाड़ी का, चलते हैं इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर में ही स्वाद है इस गाड़ी के। टैन टैन, यहाँ पर देखिए इस गाड़ी का ये इंटीरियर। कितना भी ट्रोल कर लो लेकिन ये चीज़ आप मानोगे, ये जो इंटीरियर है ना बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इस गाड़ी का यार बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये इंटीरियर। देखिए ना यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है एक नंबर। उसके अलावा देखिए डोर पैड्स भी कितने बड़े बड़े इस गाड़ी के नज़र आ रहे होंगे आपको, कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। डोर पॉकेट्स ये भी आपको काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल जाएंगे स्पीकर के लिए स्पेस। और यहाँ पर ORVM के एडजस्टमेंट आपको मैनुअल ही मिलते हैं। बैठते अंदर और फिर डिस्कस करते हैं बाकी का। लंबी मतलब ऊंची ऊंची लगती है यार गाड़ी अंदर बैठने के बाद। बाकी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है इसमें, नो डाउट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत कन्फ्यूजन वाली, मतलब मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ एस्प्रेसो में, ये बटन्स ना मुझे नज़र ही नहीं आए। मतलब मैं देख रहा था यार विंडोज़ नीचे कैसे करूँ, ठीक है पावर विंडो नहीं दिए, कम से कम लीवर तो होगा, दिख ही नहीं रहे थे। बट यहाँ पर फाइनली मुझे मिल गए, जो कि यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्रंट में ही मिलने वाले हैं पावर विंडोज़, रियर में आपको नहीं मिलते। ग्लास एरिया अच्छा खासा है इस गाड़ी में, उसमें नो डाउट। एक मिनट, और यहाँ पर आपको देखिए, और एक बार करना पड़ेगा, ये चीज़ तो मिनी कूपर जैसी लगती है भाई यहाँ पर। और ये देखिए वाइपर्स कितने चिंटू पिंटू से है ना। उसके अलावा AC वेंट्स आपको यहाँ पर बीच में और साइड में देखने को मिल जाएंगे। AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, इसमें मैं कोई शिकायत नहीं करने वाला। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो यहाँ पर मिलता है आपको बीच में। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब ये डिज़ाइन देखिए यार क्या सही लगता है।
यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, स्पीडोमीटर यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए चेक लाइट्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। बीच में आपको देखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल लेवल, गियर इंडिकेटर, टाइम, सभी चीज़ें यहीं पर आपको मिल जाएगी। और ये है 2D का म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि दो ही स्पीकर्स आपको मिलते हैं। चलो सुन लेते हैं यार वो भी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और म्यूजिक क्वालिटी अच्छी खासी है भाई, इतना भी मत ट्रोल करो इस गाड़ी को यार। और यहाँ पर दो एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर ये सुजुकी का लोगो, इसको जाने दो। यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ग्लो बॉक्स का साइज भी काफ़ी अच्छा है, थार कुछ सीखो इससे। और ये है मैनुअल एसी के लिए कंट्रोल, कूलिंग अच्छी खासी है भाई। इंजन आपको लेजेंडरी मिलने वाला है इस गाड़ी में, जो ऑल्टो K10 के साथ आता था, 1 लीटर का 3 सिलेंडर। पावर आउटपुट भी ज़बरदस्त, अराउंड 67 PS, हालांकि आपको सुनने में इतनी नहीं लगेगी, लेकिन गाड़ी फन टू ड्राइव तो डेफिनेटली है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आप देख रहे हो, यहाँ पर स्पेस दी गई है हल्की फुल्की बॉटल्स वगैरह रखने के लिए। ये है AMT ट्रांसमिशन जो कि आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड्स, प्लस माइनस, यानी कि मैनुअल आपको करना है ट्रांसलेट तो वो हो जाएगा। उसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह तो जाने दो। सीट की बात करूँ ना तो भाई, जो बजट में गाड़ी आ रही है ना, उस हिसाब से सीट्स आपको कंफर्टेबल मिलेंगे। हालांकि देखिए अंडर थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, थोड़ा कम मुझे लग रहा है, आगे पीछे कर सकते हो आप इसको, और जो पीछे का यहाँ पर ये है ना, इसको भी आगे पीछे कर सकते हो, बट हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए वाइजर पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको एयरबैग वार्निंग मिलेगी, सिर्फ दो एयरबैग्स आपको मिलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए रीडिंग लाइट्स देख लीजिए, ये डे नाइट मैनुअल आयर बीम भी नहीं है। और एक चीज़ भाई, यहाँ पर ना आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है इस गाड़ी में। उसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। उसके अलावा AMT आप ले रहे हो तो आपको मिलेगा हिल असिस्ट। भाई फीचर्स तो अच्छे खासे दिए हैं यार, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी कर देते। खैर उसके अलावा और देखे तो यहाँ पर कुछ नहीं बताने लायक। पीछे की तरफ चलते हैं। अब ये सीट को ना मैं नॉर्मल ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि पीछे भी स्पेस दिखा सकूँ। इसको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। और भाई यहाँ, अच्छा मैंने रिफाइनमेंट लेवल तो आपको बताना ही भूल गया मैं, वो भी दिखा देता हूँ। बारिश अलग तंग कर रही है यार, ये देखिए इसको ऑन करते हैं, ये देखिए स्पोर्टी फील आता है गाड़ी ऑन करते ही, मतलब आवाज आ रही होगी आपको, ज्यादा भी नहीं है बट स्पोर्टी लगती है। चलो अब चलते हैं पीछे की तरफ। सो यहाँ पर देखिए ये सीट्स, अब यहाँ पर ना कुशनिंग थोड़ी, मतलब ठीक है यार, जो बजट में गाड़ी आ रही है उसी सबसे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ज़्यादा भी इसको बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बाइक अगर आप ले रहे हो उसी सबसे ये गाड़ी ले ली ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 5 लोगों को आप कैरी करने वाले हो गाड़ी में, स्पेस भी ठीक ठाक है, मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है, तो इतना ट्रोल करना क्या, ठीक है थोड़ा बहुत तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडर थाई सपोर्ट तो आपको डेफिनेटली बहुत ही कम मिलने वाला है, बट ओवरऑल 3 पैसेंजर्स आ जाएंगे, ज़्यादा हट्टे कट्टे ना हो तो। फ्लैट भी यहाँ पर, जो फ्लोर है ये भी फ्लैट ही ऑलमोस्ट। और यहाँ पर देखिए लीवर आपको मिलेगा मैनुअल, फॉग देख रहे हो कितना सारा है, सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे। हेडरूम में SUV है तो यहाँ पर देखिए हेडरूम में। तो ये था भाई हमारा एस्प्रेसो। माइलेज की बात करूँ ना, 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ये गाड़ी देने वाली है, मतलब 25, समझ रहे हो आप कितना है। सो भाई ये थी हमारी प्यारी सी एस्प्रेसो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जाते जाते फेसबुक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्राइसिंग में बताना भूल गया, तो प्राइसिंग यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो होप जाते जाते फेसबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। मिलते अगली वीडियो के साथ में, बाय बाय एस्प्रेसो के साथ।